बेसिकली एजेंडा क्या है स्टूडेंट इसका, मैं सबसे पहले आपको एजेंडा डिस्कस करूंगा, उसके बाद अपन थोड़ा थोड़ा करके एक एक वीडियो के थ्रू समझना चालू करेंगे बेसिकली स्टूडेंट टॉपिक क्या है और कैसे करके अपने को अप्रोच करना है। तो स्टूडेंट पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हेलो अमित सर, स्क्रीन शेयर आपने डिसेबल कर दिया है। सर कीजिए आप। ओके ओके, तो स्टूडेंट ये अपना आज अपना जो वर्कशॉप है बेसिकली जो 10 डेज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स कंट्रोल एंड एप्लीकेशंस के ऊपर। तो एजेंडा क्या है स्टूडेंट, एजेंडा आप देख लो क्या क्या चीजें सीखेंगे, प्रोजेक्ट क्या क्या करेंगे। तो स्टूडेंट ये एजेंडा है, अपन इसमें क्या क्या देखेंगे, ऑल ऑल न्यूमेटिक कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन एंड फिटिंग्स, मतलब सभी तरीके के न्यूमेटिक कंपोनेंट्स जिसके अंदर एफआरएल होता है फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर यूनिट डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व न्यूमेटिक एक्चुएटर्स पीएलसीज वायरिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। फिर उसके बाद अपन क्या देखेंगे स्टूडेंट, कैसे करके अपन सिमुलेशन करना है, जैसे आपको घर में अगर ये न्यूमेटिक्स का काम करना है या घर में आपको सीखना है तो कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो मैं आपको फेस्टो फ्लूइड सिम एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर मैं सिमुलेशन वगैरह आपको सिखा दूंगा ताकि आप जो है घर पे ये सारी की सारी चीजें आप कर सको, क्योंकि घर में आपके पास ये सब हार्डवेयर नहीं होगा। तो कैसे करके आपको घर पे करके ये सारी चीजें सीखनी है उसके लिए मैं फेस्टो फ्लूइड सिम का एक सॉफ्टवेयर आता है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। इसके अलावा अपन क्या देखेंगे, न्यूमेटिक्स वायरिंग कैसे करनी है, जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उसी तरीके से न्यूमेटिक्स की वायरिंग होती है। तो बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे न्यूमेटिक्स की वायरिंग कैसे करके करनी है, इलेक्ट्रिकल की वायरिंग कैसे करके करनी है, और आखिरी में हम प्रोजेक्ट देखेंगे जिसके अंदर एक न्यूमेटिक कैन क्रशर बनाएंगे। कैन क्रशर का मतलब है जो खाली बॉटलें रहती है, जो कि एल्यूमिनियम की खाली बॉटलें रहती है कोको कोला की या इसकी, इसको हम जो है एक ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू कैसे करके बनाना है जिसमें कि ये बॉटलें रखते से ही ऑटोमेटिकली न्यूमेटिक प्रेशर से ये जो है क्रश कर दे और इस तरीके से जो उसमें जैसे जैसे बॉटल आती चली जाए और ये ऑटोमेटिकली न्यूमेटिकली ये मशीन जो है उसको क्रश करके उसको स्क्रैप में कन्वर्ट कर दे। तो ये एक न्यूमेटिक कैन क्रशर का देखेंगे और एक मेटल और नॉन मेटल सॉर्टिंग मशीन, मतलब एक हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें कि लोहे का सामान और प्लास्टिक का सामान ये दोनों के बीच में आइडेंटिफाई कर सके वो मशीन, और मेटल के सामान को अलग जगह गिरा है और नॉन मेटल के सामान को अलग जगह गिरा है। और ये पूरा का पूरा दोनों प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट पीएलसी के थ्रू कंट्रोल्ड होगा। तो ये जो है मैं आपको ये दोनों प्रोजेक्ट का पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग एज वेल एज पीएलसी प्रोग्रामिंग एज वेल एज मैकेनिकल का जो पार्ट है सारी की सारी चीजें मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। तो स्टूडेंट ये एजेंडा है अपना, ये दो प्रोजेक्ट अपने को करना है, न्यूमेटिक्स की वायरिंग देखनी है, इलेक्ट्रिकल की वायरिंग देखनी है। ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को कैसे करके यूज करना है। इसके अलावा न्यूमेटिक्स में यूज होने वाले जो मेन कंपोनेंट्स है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व पीएलसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग न्यूमेटिक्स वायरिंग ये सारी की सारी चीजें आपको कैसे करके करनी है सारी की सारी चीजें मैं आपको ये बताऊंगा। तो स्टूडेंट ये बेसिकली ये जो है एजेंडा है। स्टूडेंट पहले मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दूंगा न्यूमेटिक्स बेसिकली क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता चलूंगा कि कैसे करके। तो मैं सबसे पहले मैं वीडियो शेयर करता हूँ, ये वीडियो आप देखो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा न्यूमेटिक्स एक्चुअली होता क्या चीज। स्टूडेंट आज थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊंगा स्टूडेंट, कल से अपन एक्चुअल चालू करेंगे सारी की सारी चीजें। मैं आज आपको बेसिकली बताता हूँ न्यूमेटिक्स है क्या चीज। स्टूडेंट न्यूमेटिक्स वो चीज होता है जो कि एयर प्रेशर से चलता है, मतलब हवा के दाब से चलने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको न्यूमेटिक्स कंपोनेंट कहते हैं। इसी तरीके से एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं, वो भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, किसी भी तरीके के ऑटोमेशन का काम हो या किसी भी तरीके की प्लांट्स हो, जैसे कि दवाई बनाने वाला प्लांट हो, चाहे सीमेंट प्लांट हो, चाहे तुम्हारे एफएमसीजी प्लांट्स हो जहां पे खाने फूड की प्रोसेसिंग होती है, इस तरीके के सभी प्लांट्स में ये न्यूमेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि स्टूडेंट सारे के सारे जो मोशन है वो मोटर से पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको अगर कहीं पे मोशन चाहिए तो मोटर्स के थ्रू आपको मोशन लेना पड़ता है, वही बेसिक सोर्स है कि आपको अगर कहीं से कहीं का मोशन चाहिए चाहे लीनियर हो चाहे रोटेटरी मोशन हो मोटर्स के थ्रू होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हर जगह मोटर्स का यूज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस कारण से न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स का यूज होता है। तो बेसिकली न्यूमेटिक्स अभी आप ये समझो एयर से चलने वाला जो डिवाइस है वो न्यूमेटिक्स है, और ऑयल के प्रेशर से चलने वाला जो डिवाइस है वो एक हाइड्रोलिक डिवाइस है। हाइड्रोलिक का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने सभी लोगों ने वो मशीन देखी होगी जो कि रास्ते के साइड में जो है आपने देखा होगा एक्सकवेशन का काम करती है, जिसको हम जेसीबी मशीन्स कहते हैं। वो स्टूडेंट बेसिकली एक हाइड्रोलिक मशीन है जिसके अंदर
जो फोर्स डेवलप होता है वो ऑयल के प्रेशर से डेवलप होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट न्यूमैटिक्स मशीन आप लोगों ने एज सच मुझे नहीं लगता देखी होगी। न्यूमैटिक्स मशीन, न्यूमैटिक्स मशीन बेसिकली यूज होती है इंडस्ट्री में, यूज होती है जहां पे आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है या पैकेजिंग करनी पड़ती है, इस तरीके की मशीन के अंदर ये न्यूमैटिक्स का यूज होता है। तो आप ये थोड़ा सा वीडियो देखो, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा बेसिकली न्यूमैटिक्स है क्या चीज। स्टूडेंट देखो ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर के प्रेशर से देखो ये एयर का जब इनपुट करते हैं तो सिलेंडर जो है एक कोने से दूसरे कोने तक मूव होता है। ये देखो ये यहाँ पे ये एयर का प्रेशर जो है एक सिरे से जा रहा है और ये एयर का प्रेशर दूसरे कोने से, तो जब ये एयर का प्रेशर इधर से जा रहा है तो ये इस पिस्टन को बाहर की ओर मूव कर रहा है, और जब एयर का प्रेशर इधर से जा रहा है तो पिस्टन को अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ये एक स्टूडेंट वाल्व है, ये एक वाल्व है और यहाँ पे ये भी एक डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है और ये एक स्विच है। ये देखो ये एक न्यूमैटिक्स वायरिंग है। ये जो आप पाइप देख रहे हो स्टूडेंट, इसमें से ये एयर फ्लो हो रहा है, ये जो पाइप है इसके अंदर से एयर फ्लो हो रहा है। ये जैसे ही प्रेशर दे रहा है तो ये वाल्व का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और जो है एयर को एक कोने से दूसरे कोने तक जो है फ्लो करके उसका मोशन चेंज कर रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट देखो ये एक रोटेटरी मोशन है, ये मोटर के हेल्प से नहीं हो रहा है, ये एक न्यूमैटिक सिलेंडर्स के मदद से किया जा रहा है। स्टूडेंट ये देखो इस तरीके की ये प्लांट्स होती है, इन प्लांट्स के अंदर ये न्यूमैटिक्स और ऑटोमेशन में ये इसका यूज बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है। यहाँ पे आप देखो ये सारे के सारे न्यूमैटिक्स कंपोनेंट है, कहीं पे भी मोटर नहीं लगी है, ये स्टूडेंट सारे के सारे न्यूमैटिक सिलेंडर्स लगे हुए हैं जिनके थ्रू ये मोशन हो रहा है। स्टूडेंट आप ये देखो यहाँ पे आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये जो है किसी भी तरीके के मोटर नहीं है, इसमें जो है पूरा का पूरा न्यूमैटिक्स के मदद से ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस को चलाया जा रहा है। सारा का सारा एयर के प्रेशर से हो रहा है, ये सारा का सारा एयर के प्रेशर से हो रहा है। एयर एक कोने पे बनाई जा रही है और दूसरे कोने पे ला करके सारा का सारा प्लांट का जो मोशन है इसको किया जा रहा है। ये देखो इंडस्ट्री में स्टूडेंट कई तरीके के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस होते हैं जो कि ये पूरा न्यूमैटिक्स के हेल्प से ही करे जाते हैं, और न्यूमैटिक्स में भी स्टूडेंट इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स का यूज सबसे ज्यादा होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल और न्यूमैटिक्स का यूज करके ये सारे के सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट आपको ऑटोमेशन में जाने के लिए न्यूमैटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत मस्ट है। किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, अगर आपके रिज्यूम में न्यूमैटिक्स और इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स लिखा है तो स्टूडेंट आपको 100% है कि उसमें से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो न्यूमैटिक्स का यूज होता ही होता है। ये स्टूडेंट हवा है, ये देखो एयर इस सिलेंडर के अंदर है, इस एयर के प्रेशर से देखो ये बलून जो है फूल रहा है। इसी तरीके से जो एयर का प्रेशर को हम यूज करेंगे उसके अंदर, तो जो है आपका जो है कोई भी डिवाइस को हम मूव करा सकते हैं एयर के प्रेशर से। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट एयर इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है, मैं आपको पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो को दिखाऊंगा, सारी के सारे वीडियो आपको एक ही दिन में नहीं दिखाऊंगा। स्टूडेंट ये देखो ये एक न्यूमैटिक प्रोसेस है, इसमें देखो कई तरीके के न्यूमैटिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू ये पिक एंड प्लेस का ऑपरेशन हो रहा है। ये पूरा का पूरा पाइप जो है इसके अंदर से एयर का फ्लो हो रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये एक थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है कि न्यूमैटिक्स बेसिकली ये बहुत काफी लंबा वीडियो है, मैं आपको पार्ट बाय पार्ट दिखाऊंगा, मैं पूरा का पूरा चीजें नहीं दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट एक चीज आपको क्लियर हो गया, न्यूमैटिक्स मतलब एयर से चलने वाला और हाइड्रोलिक्स मतलब ऑयल के प्रेशर से चलने वाला। मतलब आपको अगर मोशन क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास दो ही तरीके, अगर आपसे कोई पूछे कि मोशन हमें चाहिए तो मोशन के क्रिएट करने के लिए दो ही तरीके, या तो आप मोटर्स लगाओ जिसके थ्रू आप लीनियर या रेसिप्रोकेटर किसी भी तरीके का मोशन ले सकते हो, या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप न्यूमैटिक डिवाइस लगाओ या एक हाइड्रोलिक डिवाइस लगाओ जिसके थ्रू आप जो है मोशन को क्रिएट कर सकते हो। तो स्टूडेंट न्यूमैटिक्स में आप जो है एयर का प्रेशर यूज करोगे और हाइड्रोलिक्स में जो है ऑयल का प्रेशर यूज करोगे। अब स्टूडेंट मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो को देखो, उसके बाद मैं इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स को देख करके आप थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा सा बढ़े, फिर उसके बाद हम टॉपिक के अंदर आएंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ, बताऊंगा स्टूडेंट। ये स्टूडेंट सबसे पहले न्यूमैटिक्स में देखो, अगर आपको सोर्स आपको जो है एयर का सोर्स चाहिए स्टूडेंट, ये कंप्रेसर है स्टूडेंट जिसके अंदर एयर प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर एयर जो है आपको न्यूमैटिक्स चाहिए, तो मैंने आपको बोला एयर का प्रेशर चाहिए, तो एयर का प्रेशर बनाने के लिए आपको जो है कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट। ये कंप्रेसर है जिसके अंदर एयर स्टोर होता है, इसको चला देने पे इस टैंक के अंदर, ये उसी तरीके का है जैसा कि आप हवा भरने वाली मशीन देखते हो, ये कंप्रेसर है और ये इसके नीचे एक टैंक है, ये इस टैंक के अंदर हवा भर जाती है। हवा काफी हाई प्रेशर में भरती है स्टूडेंट, काफी हाई प्रेशर में भरती है, प्रेशर वगैरह के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से जैसे ही आप कनेक्ट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा जो है हवा आकर के इस टैंक के अंदर भर जाएगा, और फिर आप यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि कितना प्रेशर में हवा भरा हुआ है।
स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है हवा जो है वहां से आने के बाद सबसे पहले इस यूनिट के अंदर आएगी, इसको कहते हैं FRL यूनिट। स्टूडेंट आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि सर क्या क्या बता रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, मैं बार बार ये सारी चीजें रिपीट करूंगा तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको इजी वे में आपको अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट ये सेकंड जो डिवाइस है ये FRL यूनिट होते हैं, इसका नाम है फिल्टर रेगुलेटर और ल्यूब्रिकेटर। देखो एयर का प्रेशर स्टूडेंट यहां से आता है, एयर का प्रेशर कंप्रेसर से आने के बाद एयर का प्रेशर हाई होता है, उसको प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एयर के प्रेशर को आप कम ज्यादा कर सको, क्योंकि हो सकता है आपको उतने हाई प्रेशर का एयर नहीं चाहिए। अब उसमें कितने हाई प्रेशर का एयर होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितने हाई प्रेशर का एयर होता है जब मैं सारी यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, अभी आप बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लो। तो ये यूनिट कहलाती है फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर। फिल्टर मतलब हवा को फिल्टर करेगा सबसे पहले, क्योंकि हवा के अंदर जो है कण हो सकते हैं किसके, डस्ट के। तो अगर हवा का जो डस्ट का कण है हमारे डिवाइस के अंदर चले जाएंगे तो सारी की सारी डिवाइसेस हमारी खराब हो जाएंगे, इसके कारण इसको जो है हवा को फिल्टर करना जरूरी है। तो इसके अंदर फिल्टर होता है, लुब्रिकेटर, लुब्रिकेटर मतलब इसके जो हवा रहती है उस हवा के अंदर ऑयल का एक थोड़ा सा पोर्शन मिलाया जाता है ताकि हमारी सारी डिवाइसेस आगे की डिवाइसेस सही से काम कर सके। तो इसके अंदर ऑयल को भी इंट्रोड्यूस करा जाता है और रेगुलेटर हवा के जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए। तो ये तीनों यूनिट का काम करती है स्टूडेंट, ये आप देखो कैसा होता है, ये स्टूडेंट ओपन होता है, ये देखो सबसे पहले डस्ट इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है, जो एयर जो यहां से आता है ये देखो ये फिल्टर है स्टूडेंट, ये फिल्टर है और हवा इसके अंदर जैसे ही जो डस्ट होगा इसको आपको साफ करना पड़ेगा बीच बीच में। तो आप कहीं पे भी जाओगे ये आप यूनिट आपको हर जगह पे मिलेगा जहां पे भी न्यूमेटिक सिस्टम है। तो ये डस्ट कलेक्शन के लिए सबसे पहला वाला जो होता है वो डस्ट के कलेक्शन के लिए होता है। ये दूसरा वाला जो ये जो दूसरा वाला बकेट आप देख रहे हो ये ऑयल के लिए होता है, इसके अंदर आपको ऑयल डालना पड़ता है, इसके अंदर आपको जो है ऑयल डालना पड़ता है और ऑयल जो है ये धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है, फिर आपको जब ये पूरा खत्म हो जाएगा फिर से आपको फिर से ऑयल डालना पड़ेगा, इसके अंदर ऑयल डाल के आप इसको ऑयल सील लगा करके आप इसको दोबारा से कस दो। तो ये यूनिट कहलाती है फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर। स्टूडेंट आप चाहो तो कॉपी में लिख लो, सबसे पहली यूनिट होती है फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर। हवा जो है कंप्रेसर में जनरेट होती है, कंप्रेसर से जनरेट होने के बाद सबसे पहले आपको जो हवा आएगी वो इसी यूनिट के अंदर आएगी स्टूडेंट, इसके बाद ही हवा आगे निकलेगा। तो इसको कहते हैं फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे आपको जो है कितना प्रेशर है, आपको कितना प्रेशर खोलना है, कितना प्रेशर कम करना है, ये ऊपर एक रेगुलेटर है स्टूडेंट, इसको घुमाने से प्रेशर जो है कम या ज्यादा होता है। इसी तरीके से ऑयल का कंटेंट है इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो इस यूनिट को घुमा करके। और स्टूडेंट देखो हवा इनपुट से होगा स्टूडेंट और आउटपुट यहां से होगा, इनपुट यहां से और आउटपुट यहां से। अब जो सेकंड कंपोनेंट है स्टूडेंट देखो ये एक वाल्व है, ये एक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व है, इस वाल्व के बारे में मैं आपको क्लियरली बाद में बताऊंगा, अभी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लो स्टूडेंट कैसा होता है। ये देखो इसके पोर्ट्स है, यहाँ पे देखो ये स्प्रिंग का सिंबल बना है और यहाँ पे एक सोलेनोइड का सिंबल बना हुआ, और ये इसके पोर्ट्स है 1 2 3 4 5 पोर्ट्स, मतलब हवा जाने के और निकलने के रास्ते, इनको हम पोर्ट्स कहते हैं स्टूडेंट। ये पोर्ट्स है, ये देखो स्टूडेंट यहाँ से देखो ये पोर्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ये 5 पोर्ट है, ये 1 2 3 4 5 स्टूडेंट। ये कैसे काम करता है ये सारी चीजें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, पर अभी आप इसको टेंशन मत लो, अभी सिर्फ आप देखो ये कैसा होता है स्टूडेंट। ये सोलेनोइड है स्टूडेंट, ये सोलेनोइड है, ये देखो इस सोलेनोइड को यहाँ से आप चाहो तो निकाल सकते हो, चाहे तो आप दोबारा से लगा सकते हो। ये सोलेनोइड एक चुंबक का काम करता है, जैसे ये यूनिट यहाँ से खुल करके आपको वायर से कनेक्ट करना पड़ता है स्टूडेंट। ये देखो ये कैसे ओपन होगा, स्टूडेंट ये देखो यहाँ पे आपको जो है सप्लाई देना पड़ेगा। अगर 24 वोल्ट का सोलेनोइड है तो आपको 24 वोल्ट देना पड़ेगा, और अगर 220 वोल्ट एसी का सोलेनोइड है तो आपको 220 वोल्ट एसी देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये एक सोलेनोइड वाल्व है, इसको आपको पीएलसी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ये सब मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। ये स्टूडेंट इसको आपने ओपन कर दिया, इसके बाद आप इसको ओपन करना, देखो आपको यहाँ पे दो कनेक्टर मिलेंगे, यहाँ पे वायर कनेक्ट होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपके वायर कनेक्ट होंगे, ये वाल्व के वायर यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट, ये वाल्व के वायर यहाँ पे आएंगे, ये वायर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये 220 वोल्ट का सोलेनोइड है, देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये देखो क्लियरली लिखा है 220 वोल्ट, तो आपको यहाँ पे 220 वोल्ट एसी देना पड़ेगा तब जाके ये सोलेनोइड काम करेगा, तब जाके ये वाल्व काम करेगा। ये वाल्व का काम है एयर के डायरेक्शन को एक जगह से दूसरे जगह चेंज करना ताकि जो हमारा सिलेंडर है वो बाहर और अंदर हो सके। तो स्टूडेंट इसको कमांड कहाँ से आएगा, ये पीएलसी के थ्रू इसको कमांड आएगा स्टूडेंट, ये इसको कमांड कहाँ से आएगा, इसको पीएलसी के थ्रू कमांड आएगा। अब ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ सेटिंग लिखी हुई है, जैसे कि ये 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी प्रेशर रेटिंग लिखी हुई है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा।
अब स्टूडेंट देखो जो नेक्स्ट डिवाइस मैं आपको बता रहा हूँ, सो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये, देखो ये एक सिलेंडर है स्टूडेंट, ये एक न्यूमेटिक सिलेंडर है, ये एक न्यूमेटिक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर को इंट्रोड्यूस करने पे ये सिलेंडर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन करता है, जिसके थ्रू इंडस्ट्री में सभी तरीके के प्रोसेसेस चलते हैं, चाहे चाहे बॉटल में ढक्कन लगाना हो, चाहे किसी पैकेट की पैकेजिंग करनी हो, या किसी किसी डिवाइस पर स्टैंपिंग ऑपरेशन करना हो, किसी चीज के ऊपर नेम प्लेट लगा, दो होल्स है ये देखो, ये एक, इसके एक रॉड एंड कहलाता है, कैप एंड कहलाता है, इसमें जैसे ही एक कोने से एयर जाता है, अब स्टूडेंट देखो ये जो है ये फिटिंग्स होती है, ये फिटिंग्स मैं आपको बताऊंगा कैसे करके, इसमें कई तरीके की फिटिंग्स आती है, मैंने आपको बताया न्यूमेटिक्स फिटिंग के लिए कई तरीके की फिटिंग्स आती है, ये देखो स्टूडेंट ये फिटिंग्स आपको थ्रेड के थ्रू कनेक्ट करना है, इसको फिटिंग कनेक्ट करने का भी सही तरीका नहीं है, मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा फिटिंग कैसे करके कनेक्ट करना, ये स्टूडेंट देखो ये इस तरीके से आपको सभी पोर्ट्स पे जो है फिटिंग्स लगानी पड़ेंगी, तभी आप न्यूमेटिक की वायरिंग कर पाओगे, जैसे आप इलेक्ट्रिकल की वायरिंग करते हो उसी तरीके से आपको न्यूमेटिक्स की भी वायरिंग करनी पड़ेगी, पूरी वायर सिखाऊंगा कैसे करके आपको वायरिंग करना है। तो स्टूडेंट ये देखो ये आपने फिटिंग कनेक्ट कर दिया, ये सही तरीका नहीं है, सही तरीके से मैं आपको फिटिंग करने का बताऊंगा, ये आपको एक टेम्पररी तरीके से मैंने आपको फिटिंग करने का तरीका बताया। तो सबसे पहले कंप्रेसर से पाइप आएगा किसमें, एफआरएल यूनिट में स्टूडेंट, एफआरएल यूनिट से बाहर निकलेगा और किसके अंदर जाएगा स्टूडेंट, ये वाल्व के अंदर जाएगा, ये वाल्व के अंदर जाएगा और वाल्व से दो वायर निकलेंगे, वाल्व से दो पाइप निकलेंगे, एक पाइप यहाँ पे जाएगा और दूसरा पाइप यहाँ पे जाएगा, और ये वाल्व को जब आप एक्चुएट करोगे तो ये पिस्टन का मोशन एक बार बाहर की तरफ होगा और पिस्टन का मोशन एक बार अंदर की तरफ होगा स्टूडेंट। ये स्टूडेंट देखो ये इधर पे आप जो है ये इसको लगा दिया स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे भी फिटिंग लगेगी, इसी तरीके से सेम स्टूडेंट यहाँ पे भी एक फिटिंग लगेगी, दूसरे कोने पे भी एक फिटिंग लगेगी, क्योंकि आपको पाइप को कनेक्ट करना है, इन फिटिंग्स के बिना आप किसी भी तरीके की पाइप का कनेक्शन नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट देखो यहाँ पे जो है आप पाइप की फिटिंग दूसरे तरफ भी मैंने उसी तरीके से लगा दी है, अब स्टूडेंट इसके बाद पाइप की जरूरत है, तो पाइप मेरे पास आज था नहीं स्टूडेंट, मैं कल आपके लिए पाइप लेके आऊंगा और पाइप की वायरिंग के साथ आपको सारी चीजें करके बताऊंगा, आज मेरे पास पाइप नहीं था तो मैं पाइप कनेक्ट नहीं कर पाया हूं, तो ये पाइप के बिना मैंने आपको वायरिंग समझाने की कोशिश करी है, कल मैं आपको पाइप के साथ पूरी वायरिंग, क्योंकि यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व को एक्चुएट करने के लिए पीएलसी की जरूरत पड़ेगी, इसके बिना ये वाल्व एक्चुएट नहीं होगा, तो ये पीएलसी आएगा, इसके बाद आपको पीएलसी की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको पीएलसी की भी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए इसके लिए, इसके बिना आप ये वायरिंग कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो किस तरीके से जो है ये चीजें काम करती हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो बताता हूँ जिसमें कि ये सारी चीजें जोड़ करके दिखाई गई हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। स्टूडेंट ये देखो अब आपको यहाँ से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा, देखो जो मैंने सारी चीजें दिखाई है यहाँ पे आपको इस पूरे इस वीडियो के थ्रू आपको, देखो सबसे पहले ये कंप्रेसर हो गया जिसने की हवा को जनरेट किया, कंप्रेसर कहीं पे भी रख सकते हो, ये कंप्रेसर पूरे प्रोसेस के साथ कैसे जुड़ा रहेगा, पाइप के थ्रू जुड़ा रहेगा, ये देखो ये पाइप आ रहा है कंप्रेसर से, इस पाइप के थ्रू हाई प्रेशर एयर जो है आ रहा है, ये इस कंप्रेसर के थ्रू हाई प्रेशर एयर यहाँ से आ रहा है, इस कंप्रेसर के अंदर कितना प्रेशर रहता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ से हाई प्रेशर एयर आया, सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे ये फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर एफआरएल यूनिट, इसके अलावा यहाँ पे एक और यूनिट लगी हुई है इसको कहते हैं ड्रायर यूनिट, तो ये जो है हवा से मॉइस्चर को हटाने का काम करता है, तो ये यूनिट मेरे पास था नहीं तो मैंने आपको नहीं दिखाया, तो आप चाहो तो ये ड्रायर यूनिट भी आप पहले लगा सकते हो, ये हवा से मॉइस्चर को हटाएगा, उसके बाद देखो स्टूडेंट ये तीन यूनिट मैंने बताया फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर, इसके अंदर सबसे पहले फिल्टर यूनिट आ गया, फिर रेगुलेटर यूनिट आ गया जिसके थ्रू आप एयर के प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हो, और तीसरे बार मैंने बताया आपको एयर का जो ऑयल है उस ऑयल का यूनिट हो गया ये, इसके अंदर आपको ऑयल भरना पड़ेगा ताकि जो हवा, अब इसके बाद एयर यहाँ से हाई प्रेशर में आया, सबसे पहले एयर में से मॉइस्चर खत्म हुआ, इसने एयर में से मॉइस्चर को हटाया क्योंकि हवा के अंदर मॉइस्चर रहेगा ही रहेगा, और इसके अंदर सबसे पहले हवा का मॉइस्चर हटाया गया, उसके बाद इसके अंदर गया, इसने क्या किया हवा के अंदर से डस्ट के पार्टिकल्स को हटाया, इसके अंदर से हवा ने डस्ट के पार्टिकल्स को हटाया, डस्ट के पार्टिकल्स को हटाने के बाद हवा इसके अंदर गई, इसने हवा के प्रेशर को कम किया, आपको जितना चाहिए आप उतना ही यूज करोगे, आपको जितना चाहिए आप उतना ही यूज करोगे, हवा के प्रेशर को कम किया, उसके बाद ये वाली यूनिट में गया, इस वाली यूनिट में क्या हुआ हवा ड्राई थी, हवा के अंदर
क्या किया, ऑयल की मिक्सिंग करी, बहुत हल्की ऑयल की, ताकि हवा के अंदर जो है एक ऑयल का एक हल्का सा मिक्स आ जाए, ताकि ये सारी चीजें जो है लुब्रिकेटेड रहे, क्योंकि हवा के अंदर ऑयल नहीं होगा और ड्राई होगा तो ये पिस्टन के अंदर क्या होगा, जब ये पिस्टन बार बार मोशन करेगा तो बिना लुब्रिकेशन के ये पिस्टन खराब हो जाएगा। जिस तरीके से तुम गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर इंजन ऑयल डालना जरूरी होता है स्टूडेंट, उसी तरीके से ये न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर ऑयल का होना मस्ट है। ऑयल के नहीं होने पर ये सारी चीजें जो लगी हुई है ये मोशन करते करते इसके अंदर फ्रिक्शन होने के कारण ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी अगर बिना ऑयल के आप इसको चलाओगे। तो इसके अंदर ऑयल का होना मस्ट है। तो सबसे पहले हवा को क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले कंप्रेसर ने कंप्रेस करके हवा के प्रेशर को बढ़ाया, बढ़ाने के बाद सबसे पहले किसके अंदर गया, ड्रायर के अंदर गया, ताकि हवा के मॉइस्चर को हटाया जा सके। मॉइस्चर को हटाने के बाद नेक्स्ट यूनिट में हवा के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स है उनको हटाया गया। डस्ट के पार्टिकल्स को हटाने के बाद हवा के प्रेशर को कंट्रोल किया गया, हवा का आपको जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर यहाँ पे मेंटेन किया गया। उसके बाद हवा के अंदर क्या किया गया, ऑयल का मिक्स किया गया। इसके बाद स्टूडेंट ये आ गया आपका जो मेन जो एयर है, ये आया है मेन एयर। आप इस एयर को आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस एयर को डायरेक्टली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टूडेंट। जो ये एयर जो यहाँ से आ रहा है कंप्रेसर से, ये एयर इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होता है, डस्ट होता है, और इसका जो प्रेशर है ये रेगुलेटेड नहीं होता है। इसके कारण इस एयर को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। इस एयर को यूज करने के लिए आपको ये यूनिट लगाना मस्ट है। इस यूनिट के बिना आप एयर को यूज नहीं करना है। अगर आप यूज करोगे तो आपका सारा सामान खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होगा, इसके अंदर डस्ट होगा, और इसके अंदर ऑयल का जो मिक्सचर है वो भी नहीं होगा। तो ये सारा का सारा सामान जो है आपका खराब हो जाएगा। तो ये यूनिट लगाना मस्ट है। उसके बाद जो है हवा आएगा किसके अंदर, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के अंदर। उसके बाद जो है हवा आया, तो स्टूडेंट देखो अब हवा जो है इस्तेमाल करने लायक हो गया है। यहाँ से जो हवा है ये हवा आप यूज कर सकते हो स्टूडेंट, ये हवा आप यूज कर सकते हो, ये हवा इसके अंदर आया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ एक डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। स्टूडेंट अभी टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया बार बार कि आपको अभी टेंशन नहीं लेना है। ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कैसे करके काम करता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये मैं आज नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो ये आपको ये टेंशन नहीं लेना है पीएलसी कैसे काम करता है, पीएलसी की वायरिंग कैसे करनी है स्टूडेंट, इसका टेंशन आपको अभी नहीं लेना है। आप समझो ये हवा प्रिपेयर हो गया है और हवा आकर के डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के अंदर आया है। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को सिग्नल कौन दे रहा है स्टूडेंट, ये एक पीएलसी है, आपने एक प्रोग्राम लिख के रखा है, वो एक डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को प्रोग्राम दे रहा है। और यहाँ पे देखो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व ये सिलेंडर को एक्चुएट कर रहा है। ये सिलेंडर स्टूडेंट एक्चुएट करने के लिए मैंने आपको बताया इसके दो सिरे होंगे, ये एक रॉड एंड कहलाता है स्टूडेंट, आप चाहो तो लिख लो इसको, एक रॉड एंड कहलाता है और एक कैप एंड। रॉड एंड कौन सा होता है, ये वाला होता है रॉड एंड, ये रॉड है स्टूडेंट सिलेंडर का, ये रॉड है। तो ये रॉड के पास वाला जो होल होता है उसको हम रॉड एंड कहते हैं, और जो पीछे वाला साइड है जहां पे ये एंड हो जाता है इसको हम कैप एंड कहते हैं। ये कैप एंड है और ये रॉड एंड है स्टूडेंट, इसको आप लिख लो, चाहो तो आपको बार बार मैं यूज करूंगा रॉड एंड और कैप एंड। एक स्टूडेंट ने लिखा है सर पीएलसी का काम क्या है। स्टूडेंट देखो पीएलसी का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। पीएलसी का काम ये है स्टूडेंट, देखो ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, इस डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को कब ओपन करना है और कब क्लोज करना है स्टूडेंट, ये कौन डिसाइड करेगा, ये पीएलसी डिसाइड करेगा। ये जो है ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल डिसाइड करेगा कि ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को कब ओपन करना है और कब क्लोज करना है। तो जैसे ही ये पीएलसी इसको सिग्नल देगा, ओके स्टूडेंट ओके, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे जो है ये जो डायरेक्शनल, ये जो पीएलसी है स्टूडेंट, पीएलसी का यूज क्या है, ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को ओपन और क्लोज कौन करेगा, ये पीएलसी इसको सिग्नल देगा। यहाँ पे जो सोलेनोइड है इसको सिग्नल देगा, ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को कमांड देगा, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व एयर के डायरेक्शन को चेंज करेगा, जिसके कारण ये स्टैंपिंग ऑपरेशन होगा। यहाँ स्टूडेंट देखो क्या ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो दो हिस्से हैं, यहाँ पे देखो ये दो ब्लॉक्स है, इन दोनों ब्लॉक्स को जोड़ना है। यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें कि ये ए पार्ट है और एक बी पार्ट है, मतलब येलो कलर का एक ए पार्ट है और ये ब्लू कलर का एक बी पार्ट है। ये दोनों पार्ट को जो है आपस में जोड़ना है प्रेशर के थ्रू। तो ये जो है ये कौन, यहाँ से जब ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को पीएलसी कमांड देगा तब ये सिलेंडर एक्चुएट होगा, एक्चुएट होकर के ये दोनों पार्ट को आपस में जोड़ देगा। तो स्टूडेंट ये जो काम करेगा ये पीएलसी करेगा। तो स्टूडेंट अब आप देखो ये सारी चीजें इसके अंदर क्या क्या, न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर सबसे पहले कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद ड्रायर, डायर के बाद एफआरएल यूनिट, फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर, उसके बाद डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के बाद आपका क्या आ गया, सिलेंडर जिसको हम एक्चुएटर कहते हैं। ये एक्चुएटर जो है इस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। ये एक्चुएटर के बाद आ गया यहाँ पे आपका जो भी जॉब रहेगा वो जॉब आएगा यहाँ पे, और इस डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो है एक पीएलसी लगा हुआ है। ये पीएलसी जो है इस डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करेगा। स्टूडेंट ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, ये एक न्यूमेटिक प्रोसेस है। आप देखो यहाँ पे
ये स्टूडेंट देखो ये वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कैसा ये काम करता है। ये स्टूडेंट देखो ये फिर से वर्क पार्ट आएगा यहाँ पे, ये वर्क पार्ट इसके अंदर गिरेगा और देखो ये पीएलसी इसको कमांड देगा, ये पीएलसी ने इसको कमांड दिया, इसने सिलेंडर ने इसको पुश किया और ये देखो ये एक जॉब बन गया, ये जॉब बन करके ये जॉब गिर गया, फिर से नया प्रोसेस आएगा और ये कंटिन्यूअसली ऐसा चलता रहेगा। तो स्टूडेंट थोड़ा लंबा वीडियो है, मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा। तो देखो ये स्टूडेंट इसने एटमोस्फेयर से हवा को लिया, एटमोस्फेयर से हवा को लिया। न्यूमेटिक्स की सबसे खासियत यही है कि हवा फ्री है, आपको कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, हवा जो है टोटली एटमोस्फेयर में फ्री है, उसी हवा को यूज करना है आपको, हवा को लेकर के कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के बाद सबसे पहले मॉइस्चर को हटाना है, मॉइस्चर को हटाने के बाद डस्ट को हटाना है, डस्ट को हटाने के बाद आपको क्या करना है, प्रेशर को रेगुलेट करना है, प्रेशर को रेगुलेट करने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, वही वीडियो है, वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, सेम चीजें वो रिपीट कर रहा है। तो मैं वीडियो को पूरा नहीं चलाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ये वीडियो को चलाने के लिए। ये स्टूडेंट मॉइस्चर को हटा रहा है, सबसे पहले ये मॉइस्चर को हटा रहा है, मॉइस्चर को हटाने के बाद डस्ट को हटा रहा है, डस्ट को हटाने के बाद प्रेशर को कम कर रहा है, प्रेशर को कम करने के बाद ऑयल को मिक्स कर रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये मैं फिर से दोबारा आपको नहीं बताऊंगा, मैं फास्ट कर देता हूँ। फिर स्टूडेंट ये देखो ये हवा आप सही हो गया है, हवा जाने के बाद ये देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये वाल्व है, ये वाल्व के अंदर कैसे काम करते हैं ये मैं आपको पूरा चीजें बताऊंगा, ये वाल्व कैसे करके काम करता है। ये एयर को पास होने के दो रास्ते हो गए स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे जैसे ये सिग्नल मिला है ये चुंबक बना, चुंबक इसको स्पूल कहते हैं, ये स्पूल को आगे पीछे किया, इससे जो है हवा का डायरेक्शन चेंज होगा, एक बार हवा का डायरेक्शन इधर जाएगा और दूसरी बार हवा का डायरेक्शन इधर से जाएगा। तो ये मैं आपको क्लियर बताऊंगा स्टूडेंट, इसको लिए टेंशन नहीं लेना है कि ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, ये मैं आपको बार बार बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। अब स्टूडेंट देखो ये हवा का रास्ता इसने चेंज कर दिया, एक बार हवा का रास्ता इधर से हो रहा है और एक बार हवा का रास्ता इधर से हो रहा है, जैसे ये एयर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है स्टूडेंट उसी तरीके से जो है ये देखो ये सोलेनोइड जैसे ही कमांड मिल रहा है एयर का डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, उसके कारण जो है ये मोशन जो है ये चेंज हो जा रहा है, एक बार हवा यहां से पास हो रहा है और नेक्स्ट टाइम हवा यहां से, मतलब यहां से इनपुट हो रहा है और यहां से जाने के दो रास्ते, या तो यहां से चला जाए या यहां से चला जाए, यहां से जाएगा तो फिर अंदर की ओर आएगा पिस्टन और यहां से जाएगा तो बाहर की ओर आएगा, इससे जो है मोशन होगा और मोशन होने के बाद ये प्रेशर जनरेट करेगा, इस प्रेशर से जो है ये जो जॉब है ये क्लैंप होगा, इस प्रेशर से जो है ये जॉब जो है क्लैंप होगा, ये देखो ये प्रेशर से जो है ये जॉब क्लैंप होगा और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा।